वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने? पच्चीस साल बाद। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, डंकी मूवी आ चुकी है और थिएटर में जबरदस्त तरीके से फट रही है। मूवी रिव्यू करने से पहले बता दूं भाई, आपको कोई भी यहाँ से स्पॉइलर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसी चीज़ मूवी के अंदर से नहीं निकाल के दूंगा कि आपका मूवी देखने का पूरा मजा ख़राब हो जाएगा, बल्कि आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बिल्डअप कर दूंगा, क्योंकि इस मूवी को वाकई में थिएटर में देखने लायक मूवी है। और इसे बिल्कुल यार, जिस टाइम अभी ये आई है ना, जो लंबा हॉलीडे भी चलने वाला है क्रिसमस का, इससे बेहतर गिफ्ट मैं कह रहा हूँ यार, बॉलीवुड की तरफ से राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की तरफ से जो गिफ्ट मिला है फैमिली ऑडियंस को अपने कॉन्टेंट के रूप में, भाई भाड़ है। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए इससे बेहतर मूवी कोई नहीं हो सकती, जहाँ पर ये ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट आपको दे के जाएगी, बल्कि आपको बहुत से वैल्यूबल लेसन सिखा के जाएगी। प्योरिटी ऑफ लव बॉन्ड वो दिखा के जाएगी कि सिर्फ यार ब्लड रिलेशन से कुछ नहीं होते, आप भाई दिल से जो कनेक्शन जुड़ता है ना, जो आप दिल से किसी के लिए कुछ करना चाहते हो और किस हद तक वो कहानी पहुंच जाती है, सब कुछ अपना छोड़ के, भाई डजंट मैटर कि आपके पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप वो एफर्ट्स मारते हो किसी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो ये इस मूवी में बहुत खोल के और बहुत प्यारी तरीके से दिखाया गया है, जो बिल्कुल टच करेगा। कहीं आपको हंसा के जाएगा, कहीं आपको रुला के जाएगा। एक वर्ड में अगर मैं इस मूवी को डिफाइन करूं तो भाई ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर अगर ये वर्ड आता है ना, तो भाई ऐसी मूवी के लिए आता है ये चीज़। राजकुमार हिरानी ने जो दिखाया है ना कि भाई बॉलीवुड में जो चीज़ें आती थी पहले, भाई प्यार से संबंधित, फिर आपको फन भी देखने को मिलेगा उसी में, आपको वो लव बॉन्ड देखने को मिलेगा, प्योरिटी, वो कहानी रिश्तों की प्योरिटी, रिलेशंस की प्योरिटी, वो इसमें भर के देखने को मिलने वाली। क्योंकि जो अभी टाइम चल रहा है भाई, मसाला एंड ये एक्शन मासी में बहुत ही लॉजिकल चीज़ें, बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वाकई में यार ये मूवी दमदार है। तो शुरुआत करते हैं, क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। स्टार्ट करने से पहले फिर कह देता हूँ, देर इज नो स्पॉइलर। कोई कहानी का कोई भी पार्ट यहाँ से रिवील आउट नहीं होगा, उल्टा ऐसा बिल्डअप कर दूंगा कि बाकी में भाई ये मूवी देखने लायक है। लेकिन भाई राजकुमार हिरानी, जिस नाम के लिए जाना जाता है ये बंदा, ऐसे ही नहीं, इसको इंडिया का बिगेस्ट डायरेक्टर और फाइनेस्ट डायरेक्टर कहते हैं। व्हाट अ विजन यार, जो भी इसके पास विजन है उसको इतनी प्यारी तरीके से फिर रिप्रेजेंट करना, और उसे ठीक है आपने रिप्रेजेंट किया, उससे इतनी बेहतरीन तरीके से पिरोया कि लोगों को बहुत ही प्यारी तरीके से वो टच करता है ना? और वो टच किया है भाई। मूवी को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है और इस तरीके से डिवाइड कर रखा है कि पहला पार्ट आपका हंसते हंसते भी पता भी नहीं लगा कि एक घंटा 15 या 20 मिनट कब निकल गया। फुल कॉमेडी, भर के कॉमेडी मिलने वाली है, ऐसे ऐसी चीज़ें, सरप्राइजिंग फैक्टर्स मिलेंगे आपको मूवी में भाई। जो ट्रेलर में हमने जितना देखा था, आई थिंक 5 से 10% भी नहीं था इस कंटेंट का, जितना वहाँ पर ऐसे सरप्राइजिंग फैक्टर्स मिले हमको मूवी में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सेकंड हाफ में भाई जैसे ही एंट्री मारोगे, आपको इमोशन से ऐसे लबालब भर देंगे, कब आपकी आंखें गीली हो जाएंगी, कब आप कौन सी वो चीज़ में टच कर जाओगे, ऐसी गहराई में घुस जाओगे भाई। ये होती है ताकत सिनेमा की, जो वाकई में बहुत चीज़ें आपको टच करा देता है भाई। बहुत तेज़ी से ज़माना आगे जा रहा है, मतलब बहुत सी चीज़ें हम शांति से बैठ के ना सोच पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, वो चीज़ यहाँ टच करके जाएगी। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर में हमें यार बस ज़िंदगी को ऐसे जिए जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज़ें हम कब कर रहे हैं और कौन सी चीज़ उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। यार ये चीज़ ना बहुत अच्छी टच करके गई है। स्टोरी टेलिंग फाड़ है जबरदस्त तरीके से भाई। राजकुमार हिरानी जिसके लिए जाने जाते हैं, और जो इसके बंदर हैं, जो इसके उल्लू दे पट्टे हैं भाई, जो इस्तेमाल करा जा रहा है टैग लाइन, जो राजकुमार हिरानी के जितने भी ये उल्लू दे पट्टे थे, मतलब कैरेक्टर्स, जो कास्ट है सुपर सुपर अमेजिंग कास्ट है। उसके बाद विकी कौशल की जो सिंप्लिसिटी है यार, इसने ना दिल लूट लिया भाई। एक बंदे के ऊपर कितना मतलब बोझ, कितना बोझ तो नहीं कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर उसके बाद वो किसी भी हद तक जा सकता है ना, ऐसे वाली चीज़ें, तो वो बड़ा प्यारा ही उसने रिप्रेजेंट किया है, बहुत ही दमदार लगा है। देन उसका तापसी पन्नू ने भी क्या रोल निभाया यार, लेडी मतलब लेडी डॉन कह सकते हैं इसको, बड़ा ही प्यारा करेक्टर निभाया उसने। और उसके बाद अगर चलो ठीक है, करेक्टर्स में भी कहीं ना कहीं अगर कमी देखने को मिली, तो शाहरुख खान एक्टिंग का किंग, बादशाह भाई क्यों इसे कहते हैं, वो प्रूव है इसमें, बिल्कुल प्रूव बने। आप
एक्शन मूवी में यार खैर इतनी एक्टिंग नहीं देखने को मिली, वही था कि हाँ हुल्ला हाई फाई फाइट मसाला, पर एक्टिंग नहीं देखने को मिली। लेकिन भाई ये मूवी एक्टिंग के दम पे चली है, जो आप फाइनेस्ट एक्टर्स हैं ना भाई, विकी कौशल, तापसी पन्नू, देन शाहरुख खान, जो इसने भाई सबको पकड़ा है। मतलब छोटी सी छोटी चीज़ें, चलो कहीं पर मूवी डाउन होने लग जाती है, लेंथी है, कहीं डाउन होने लग जाती है, तो वहाँ शाहरुख खान भाई इस बंदे ने अपने कंधे पे इस मूवी को लेकर आया। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कंटेंट है भाई साहब। मूवी सुपर सुपर अमेजिंग है, जैसे राजकुमार हिरानी की पहले की क्रिएशंस हैं, प्रीवियस क्रिएशंस हैं, लाइक एज लाइक थ्री इडियट मान लो, एज लाइक मुन्ना भाई MBBS, तो डंकी इज ऑल्सो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर। वो जो एरा राजकुमार हिरानी अपना सेट करके चलते हैं, वही इसको आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि उससे कम देखने को मिला, बिल्कुल कम देखने को नहीं मिला है, उससे बेहतरीन ही देखने को मिला है। मतलब एक ऐसे मुद्दे को उठा के रखना, क्योंकि भाई जब किसी बंदे पर प्रेशर आता है ना, खासकर वो प्रेशर कि यार परिवार कैसे चलाना है, आगे की लाइफ कैसे बितानी है, तो वो सारी चीज़ें इतने प्यार से दिखाना और इतनी बेहतरीन तरीके से उस सीरियस इशू को पहले कॉमेडी फन में पिरोकर, उसके बाद जो चीज़ टच करनी चाहिए, जिस चीज़ का रियलाइजेशन लोगों को होना चाहिए, उसको इमोशनली भी इतने बेहतरीन तरीके से उतारा, रिप्रेजेंट किया, देन वो हिट किया है लोगों को। और भाई बहुत प्यारा भाई मूवी देखकर जो भी निकल रहे थे भाई, अलग सा एक सेटिस्फैक्शन था उनके चेहरे पर कि ठीक है यार, बहुत बहुत सी जो ज़िंदगी की भागदौड़ में हम नहीं समझ पाते हैं, वो चीज़ बिल्कुल टच करके गई है। फ़न भी बहुत मिला है, बहुत ज़्यादा फ़न मिला है। तो मूवी इज ऑल ओवर भाई, ब्लॉकबस्टर है, आप भी जाएँ देखें भाई, मूवी दमदार है, मैंने देख ली। दैट्स माई रिव्यू, मिलते अगली वीडियो में। जय।